राजधानी शिमला में कर्मचारियों को निकालने व 15 जुलाई से 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा बंद करने का मामला सुलझ गया है। जीवी की कंपनी सेवा के संचालन के लिए राजी हो गई है। देर शाम तक मुख्यमंत्री से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य मामला सुलझाने का प्रयास करते रहे। सरकार के आश्वासनों के बाद कंपनी एम्बुलेंस सेवा संचालन के लिए तैयार हो गई है। जीवी की कंपनी ने बजट के अभाव में हिमाचल से काम बंद करने का फैसला लिया था। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस पर सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि अगर कंपनी ऐसा करती है तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, उनके नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कंपनी को अभी प्रदेश में ही सेवाएं देनी होगी। जीवी की कंपनी की ओर से प्रदेश में 325 एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार जीवी की कंपनी को प्रति माह 3 करोड़ रुपए देती है, जिससे कंपनी के कर्मचारियों का वेतन, मुरम्मत व पेट्रोल का खर्च चलाया जाता है। और आज मैं फिर दोबारा से मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके जो न्यूज़ के माध्यम से और पत्रकार के माध्यम से जो है वो सरकार तक और कंपनी तक जो है बात हमारी पहुँची है और सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश है, उन्होंने पब्लिक के हित में और कर्मचारियों के हित में जो फैसला लिया है कि अगर कंपनी जाना चाहती है तो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारे जो कर्मचारी है उनको हम कोई ना कोई नीति के तहत जो है लाएंगे और उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। देखिए अभी जो हमें माननीय ACS महोदय उनकी तरफ से चिट्ठी आई है और उसमें कंपनी के लिए डायरेक्शन हुई है कि अभी आप छोड़ के नहीं जा सकते, तो कंपनी ने 15 दिन का और नोटिस निकाल दिया होगा कि 15 दिन तक हमारा और काम रहेगा। मगर इससे जो है कर्मचारी बिल्कुल आहत है कि ये बार बार जो है लॉकडाउन की तरह 15-15 दिन का जो है वो गैप दे रहे हैं, तो इससे कर्मचारियों के दिमाग में यही आ रहा है कि भाई हमारी नौकरी तो खतरे में है। मगर उसी को देखते हुए माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश है, उन्होंने आश्वस्त किया सभी कर्मचारियों को कि भाई आप घबराए नहीं, हिमाचल सरकार आप लोगों के साथ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो उस परिस्थिति है उस सैलरी के रिगार्डिंग सभी कर्मचारी, क्योंकि हैंड टू माउथ है सभी लोग, जो जितना मिलता है उसी से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। अगर आज दूसरा महीना शुरू होने वाला है, 20-20 कंपनी का महीना चलता है और 20-20 तक हमारी सैलरी आती थी, मगर आज 20 तारीख 16 तारीख होगी, 4 दिन बाद पूरा 2 महीने हो जाएंगे मगर कर्मचारियों का अभी तक सैलरी नहीं आई है। दूसरी तरफ जो हमारे सुपरवाइजर जो सुपरविजन करते हैं उन लोगों को 2 महीने से पहले नहीं मिली हुई है, 3रा महीना उनको शुरू हो गया, तो किस तरह से परिवार का गुजारा करेंगे। ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि सरकार को जब इतना पता है कि ये लोग पेमेंट नहीं दे रहे तो आप एक्शन क्यों ले रहे कंपनी के खिलाफ, क्यों कंपनी पैसे लेने के बावजूद कर्मचारी को पैसा नहीं दे रही। देखिए अगर कंपनी हमें पैसा नहीं देती है इसके लिए तो हम पहले भी कोर्ट में हैं और कोर्ट की डायरेक्शन है, माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और उसी के ही नक्शे कदम पर हम चले हैं। जो जैसा आदेश माननीय उच्च न्यायालय का होगा हम उसी का पालन आगे भी करेंगे, और कंपनी अगर नहीं पालन कर रही है तो उसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे कि भी कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इसकी जो जाँच है वो CBI को सौंपे। तो जिस तरह से जो इन्होंने पैसा पहले कमाया है और आज की डेट में ये जो भाग रहे हैं। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।